नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। मेरे सहयोगी संजय भैया मेरे साथ हैं और आज हम आपको बता दें 18 नंबर वार्ड में वार्ड काउंसिलर संजय शर्मा, जो 18 नंबर वार्ड के वार्ड काउंसिलर हैं, उनके सौजन्य से वरिष्ठ महिलाओं को और तमाम बहन बेटियों को पूजा का परिभ्रमण करवाया गया है। आइए इसी सिलसिले में हमारे बीच कुछ माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं, उनके द्वारा हम जानते हैं कि वह क्या कहती हैं इस चीज़ को और उन्हें कैसा लगा संजय शर्मा जी के द्वारा पूजा पंडालों में माता रानी का दर्शन करके। तो भाई, अब मैं आपको इन सभी से परिचय आपको करवाता हूँ। नमस्ते, आपका स्वागत है ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। क्या नाम है आपका? रानी राउत। तो क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा है। हमारे वार्ड काउंसिलर 18 नंबर वार्ड की संजय शर्मा, हम लोग ऐसे घूमते हैं, लेकिन इस भैया जब से आए हमारे 18 नंबर वार्ड में, तब से ना बहुत अच्छा तरीके से घूमते हैं, अच्छा इंजॉय भी करते हैं, माता लोग को दर्शन भी कर पा रहे हैं। हम लोग सभी माता को लेकर हम लोग को भी मौका मिलता है सब माता को सेवा करने के लिए। हमारे 70 साल से लेकर और हम लोग जो मेंबर है 20-22 साल का, वो लोग सभी आते हैं, खूब ही अच्छे से इंजॉय करते हैं। लगभग आज कितने माताएं और बहनें थी इस टीम में? 300 से 350 लगभग में थे। सभी को यहाँ पर भोजन वोजन का आयोजन किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। हम लोग को भी अच्छा लगा है, सभी माता लोग को भी अच्छा लगा, उन लोगों को सेवा कर कर हम लोग को, और क्या बोले। चलिए, आपको मेरे टीम के तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम खुशी राउत है। खुशी, पूजा परिभ्रमण करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग ऐसे हम लोग आते हैं हर समय, संजय शर्मा मेरे मामा जो है बहुत ही अच्छे हम लोग को घुमाते फिराते हैं। हर साल नौ दिन के नवरात्रि का जो टाइम रहता है, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से घुमाते हैं और हम लोग सबको ही को सेवा वेवा करते हैं सभी को। आपको मेरे पूरे टीम की ओर से पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। पारुल रॉय, कैमन लागलो आपके आज के पूजा परिभ्रमण मध्य आपने गए, कि बोलें बेपारे? পরিচয় বলতে আমি 18 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পারুল রায়। তো আমাদের প্রত্যেক বছর সঞ্জয় শর্মা আমাদের মাননীয় কাউন্সিলর 300 থেকে 350 ওয়ার্ডবাসী মা বোনদেরকে নিয়ে আসে, কমসে কম 6-7টা ঠাকুর দেখায়। দেখানোর পরে শিবম প্লাসে নিয়ে আসে, এখানে গীতা পাঠ হয়, তাদেরকেও সুসম্মানভাবে সঞ্জয় দা সবই করায়। তারপরে খাওয়া দাওয়া, যাওয়ার পথে আবার 3-4টা ঠাকুর দেখাইয়ে তারপরে আমরা মানে সঞ্জয় দা ওয়ার্ডে ছাইরে দেয় সবাইকে, সবাই সুস্থভাবে বাড়িতে পৌঁছায়। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के उपलक्ष्य में माताओं को, जैसे कि आप वृद्ध माताओं को लेके घूमे, हम सभी से वार्तालाप किए, बहुत अच्छा लगा, वो सभी आपको बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? पंकज जी, आपको तो मालूम ही है हम लोग महासप्तमी के दिन प्रत्येक वर्ष हमारे 18 नंबर वार्ड के जो बुजुर्ग नागरिक हैं, सज्जन हैं, माताएं हैं, और जो अपने हिसाब से घूमने में उनमें से काफ़ी लोग सक्षम भी नहीं हैं, ऐसे लोगों को 5 बसों में बैठाकर इनको लेकर आते हैं, सिलगुड़ी की पूजा दिखाते हैं, भोजन आदि करवाते हैं, फिर इनको वापस घर छोड़ देते हैं। ये सारा दिन का मेला जैसा हो जाता है हमारे वार्ड में, और सभी लोग हम लोग मिलजुल कर एक साथ इतना आनंद लेते हैं। और फिर 2 साल पिछले साल से हम लोग शिवम पैलेस भी आने लगे हैं। शिवम पैलेस में आप जानते ही हैं उत्तर पूर्वी भारत का सबसे विशाल जागरण होता है, जिसमें मैं भी 21 साल से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो हम लोग यहाँ लाते हैं, यहाँ का माहौल भक्तिमय माहौल में इनको और ज़्यादा आनंद आता है। यहाँ भोजन, इस बार हमने यहीं भोजन की व्यवस्था की है, हमने पूरे उत्साह के साथ भक्तिमय वातावरण में ये जो सारे दिन की
दुर्गा पूजा यात्रा रही, बहुत सफल रही और बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि माँ दुर्गा के श्री चरणों की प्रेरणा से महासप्तमी के दिन वार्ड के बुजुर्ग नागरिकों को हम पूजा भ्रमण के लिए ले जाते हैं। कितने वाहन आज आपके वार्ड से और आपके तरफ से गया था? हमारे 5 बसों में हमारे बुजुर्ग नागरिक लगभग 250 लोग सारे दिन यात्रा में हमारे साथ हैं। कुछ हमारे कार्यकर्ता लोग अपनी बाइक से, अपनी गाड़ी से, वो लोग भी साथ में हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल हम। अब जैसे कि आपने कुछ ही पल पहले बोला कि 21 वर्ष कंप्लीट हो गया आपका इस माता रानी का जागरण करवाते हुए, अब महज 4 वर्ष और बाकी है उस माइलस्टोन को अचीव करने का जो 25वां वर्ष होगा, तो क्या क्या ये बहुत जल्द बात मैंने बहुत पहले मैं ये सवाल कर रहा हूँ, लेकिन सवाल तो सवाल है, क्या तैयारी हो सकता है और क्या आपका सोच है उस 25 वर्ष को लेकर? जहाँ तक भगवती जागरण की बात है, हमारी माँ भगवती जागरण समिति, हम लोग 25वें साल के लिए भी व्यापक परिकल्पनाएं हाथ में लेंगे। एक जो इस वर्ष एक बात जो सामने आई है, हम सभी लोगों एकमत हुए हैं, वो ये है कि 108 फीट की चुनरी हम 25वें साल में माता रानी के दरबार में वैष्णो धाम में चढ़ाएंगे माता रानी के चरणों में। ये तो एक बार हमने निर्णय लिया है और बहुत से कार्यक्रम सिल्वर जुबली ईयर के हिसाब से हम लोग लेंगे, जिसकी सूचना समय से प्राप्त होती है। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? आप इतने बुजुर्गों को प्रत्येक वर्ष की भांति, जैसे हमने कुछ लोगों से बात किया तो पता चला आप प्रत्येक वर्ष यह कार्य करते हैं, तो ये कैसे शुरुआत की है और क्या था इसके पीछे? असल में हम लोग शुरू से ही समाज सेवा और राजनीति में रहे हैं, तो एक श्रेणी के लोगों को, लोगों की जो तकलीफ है, घूम नहीं पाना, ठीक से पूजा का आनंद नहीं ले पाना, इस व्यथा को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। तो बचपन से ही बहुत लंबे समय से ही हम इस तरह के सेवामूलक कार्य करते रहे हैं और फिर 18 नंबर वार्ड काउंसिलर बनने के बाद ये बात और भी हमारे अंदर तक आ गई कि हमें ये काम सप्तमी के दिन सभी को लेकर जाना और तब से हम कर रहे हैं। ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम उन लोगों को जो आपको सुन रहे हैं? संदेश एक ही है, भाईचारे का संदेश है, प्रेम का संदेश है, अनेकता में एकता का संदेश है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री कहती है, धर्मो जार्जर उत्सव सवार, धर्म सबका अपना अपना है लेकिन उत्सव जो है वो सभी का है और ये दुर्गोत्सव का जो महोत्सव है इसका आनंद सारे बंगाल के लोग, बंगाल के हर जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोग मिलजुल कर लेते हैं और यही संदेश शेष भारत और शेष विश्व में जाता है। जहाँ जहाँ हमारे सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो इन दिनों दुर्गोत्सव का आनंद लेते हैं। मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा कि ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स के माध्यम से आप हमारे प्रोग्राम की बहुत अच्छी कवरेज करते हैं और सिर्फ हमारे ही नहीं, आप सिलीगुड़ी में जितने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं सभी के साथ आप रहते हैं और दिल खोल कर रहते हैं। ये बड़ी बात है और इसके लिए आपकी प्रशंसा।